कुंद आचार्य देवकी, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, वंदनीय आरिका रत्न 105 पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। भाभी जी, वो दुख का कारण विश्व का कोई भी पदार्थ नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई पदार्थ मुझे दुखी नहीं करता। हमारी अपनी गलत समझ ही दुख का कारण है। आप कहोगे कि आग लगा दी किसी ने शरीर के अंदर, क्या वो दुख का कारण नहीं है? हैं? आग लगा रहा है शरीर में, आग आग लग रही है, जल रहा है, क्या वो दुख का कारण नहीं है? नहीं, ये अनंत सुख का कारण भी बन सकता है। बाहरी चीज नहीं, बाहरी क्रियाएं नहीं, अगर भीतर की समझ सही व्यवस्थित है तो वो अनंत सुख का कारण भी बन सकती है। आप कहोगे कैसे? देखो पांडवों को, पांडव को लोहे के तपा तपा करके अग्नि से पहना दिए, हाथों में कड़े, गलों गले के अंदर, पैरों में, पूरे शरीर के अंदर ऐसे लोहे के आभूषण कड़े गरम कर करके लाल चित कर दिया और उनको गले में रख दिया, हाथों में रख दिया। लेकिन जो अपने ज्ञान गुप्त थे, अपने ज्ञान में समाये थे, जिन्हें शरीर की ही सुध नहीं थी, जो शरीर को ही अपना नहीं मानते, उन्हें दुख कैसा? धन्य है उनका भेद ज्ञान, धन्य है उनकी तत्व ज्ञान की गहनता। अपने ज्ञान गुफा में जा करके बैठ गए, क्या हो रहा है? देह का, देह चल रही है, लेकिन भीतर का पुरुषार्थ इतना सघन था कि अंदर से कर्म जल रहे हैं, बाहर से शरीर जल रहा है, देह जल रही है, और भीतर से कर्म जल रहे हैं, चट चट करके जैसे फुलिंगें निकल रही हैं, चबड़ी झुलस गई है अंदर तक, मांस बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि पूरा निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। मांस बाहर आए इसके पहले ही कर्म आत्मा से बाहर निकल गए। वाह, क्या भेद ज्ञान, क्या मजबूत भेद ज्ञान, और कितनी शीघ्रता का अंतर ही अंतर में ऐसा सघन भेद ज्ञान हुआ। भेद ज्ञानी तो थे ही वे, क्योंकि मुनीश्वर थे और ज्ञान की गहनता में बैठ गए। ओहो, क्या ज्ञान, धन्य है उनका पवित्र ज्ञान। प्रभु, ऐसी ज्ञान की विशुद्धि मुझे चाहिए। दुनिया के उपसर्ग होते रहे, लेकिन मेरा ज्ञान कभी ज्ञेयों से आकर्षित न हो, बाहरी पदार्थों से आकर्षित न हो, उसमें झुलस न जाए, उसमें लिप्त न हो जाए। संयमी का अर्थ विरक्ति है। किससे विरक्ति? पर पदार्थों से विरक्ति। संयमी का अर्थ है निर्ममत्व दशा, बाह्य पदार्थों से निर्मोहीपना, उसी का अर्थ है संयमी। धन्य है वे रत्नत्रय के धारी। ऐसे कई मुनीश्वर इस वसुंधरा पर हुए जिन्होंने विकट परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को किंचित भी दोलायमान नहीं किया, डिगे नहीं वे अपने पद से, बल्कि और गहनता से अपने ज्ञान गुफा में जाकर के बैठ गए। जो दुख देने वाला था, उसका मन था कि मैं ऐसा दुख दूं, ऐसा दुख दूं, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया, आनंद सुखी हो गए, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गए। तीन पांडव को, हाँ, वो तो केवल ज्ञानी हो गए। वाह, ये सब अपने भीतरी दशा का ही सुफल है। सच कहा है, सुख का कारण, दुख का कारण कोई विश्व का पदार्थ नहीं है। हमारी सही समझ सुख का कारण, हमारी ही गलत समझ दुख का कारण है। कई बार सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है, फिर भी अगर हमारी समझ गलत है, हमारा ज्ञान ही उल्टा चल रहा है, तो हम अपनों को भी दुश्मन मान लेते हैं और दुश्मन को भी मित्र मान लेते हैं।
किसका फेर है? हमारे ज्ञान का, हमारी समझ का फेर है। आचार्य भगवान बहुत सुंदर गाथा समय सार के हमारे सामने रख रहे हैं ताकि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर सके, ज्ञान का सही सदुपयोग कर सके। क्या बात कहते हैं, सवे भावीण पच्चत खाई परितिना दूण तम्हा पच्चत खानम नानम नियमा मुणि दवम। बोलिएगा सवे पच्चत खाई परितिना दूण तम्हा पच्चत खानम जितने भी पदार्थ हैं, आत्म तत्व को छोड़ करके जितने भी पर पदार्थ हैं, उसको पर जान करके, पर इति परेति नादुण यानी जान करके, ये सब पदार्थ पर हैं ऐसा जानकर पच्चक खाई छोड़ देते हैं। छोड़ना क्या, पर है बस दृष्टि हटी। आपको भी इतना भान तो है कि ये पर का है मेरा नहीं है, निज पर का परखा और पर का जान करके उसको आपने छोड़ दिया। कैसे, उदाहरण दिया आचार्य ने, आचार्य भगवंत इसी में उदाहरण देते हैं कि धोबी के घर पर कपड़े दिए थे धोने के लिए, अब वह लेकर के आया, चादर ओढ़ करके सोया, लेकिन लगा पता नहीं अजीब स्मेल क्यों आ रही है, ये मेरा तो नहीं दिख रहा चादर। फिर उसका जो एक चिन्ह बना हुआ था वो देखा किनारे पर, वो चिन्ह तो था ही नहीं उसका। ओहो, पता चला ये उसका नहीं है, पड़ोसी का है, बदल गया है। उसी वक्त जैसे ही चिन्ह देखा, बदल गया, पता चला, फिर क्या, उसको अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, दिमाग से हट गया कि मेरा नहीं है, तो हाथों से भी हट जाता है कि मेरा नहीं है, हटा, उठा उसको। बारिश आ रही है और आप लोगों ने अपने गेहूं मिर्च वगैरह कपड़े वगैरह सुखाए हैं, और अचानक पहले तो अच्छी तेज धूप थी और जैसे ही अचानक पानी आ गया तो आप वहां पर उठाने के लिए गए, और छत 10 लोगों की खट्टी छत है वहां, तो वहां आप लोगों का भी वस्त्र पदार्थ आदि हैं और पड़ोसी के भी हैं। जैसे ही आपने उठाया, अच्छे से जल्दी जल्दी उठा लो, पानी बहुत आ रहा है, पता चला पड़ोसी ने कहा कि तुम्हारा ये थोड़ी ना है, ये तो मेरा सामान है सारा, देखो कपड़े भी मेरे हैं और सामान भी मेरा है। जैसे आपने देखा, ओ मैं भूल गया था, अलग स्थान पर आ गया था, एकदम जल्दी में समझ में नहीं आया तो गलत आ गया था, अब क्या करेंगे आप, उसको छोड़ देंगे, गीला हो रहा है तो होने दो, ऐसा करेंगे क्या कि लाओ कोई बात नहीं पहले हम तुम्हारा सामान उठवा देते हैं, हम अपना बाद में उठाएंगे, ऐसा करेंगे क्या, पानी आ रहा है, नहीं छोड़ो उसको, जो हो रहा है होने दो, अपना काम बनता कहाँ जाए जनता, कहीं पर भी जाए, भक्त पड़े बाबा गधे को कहे काका, ये दशा है इसकी तो, अपना काम बने, बस मेरा काम होना चाहिए, सामने वाले की चाहे कैसी भी दशा हो जाए उसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। आप कहोगे कि वाह बहुत समझदार है मेरा बेटा, देखो सब पड़ोसी का यूं ही फेंक के आ गया और अपनी चीजें लेकर के आ गया, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा, कितना होशियार हो गया है मेरा बेटा, होशियार नहीं है, सीआर बनने वाला है क्या, हाँ इतना अच्छा, ऐसा भेदभाव, होशियार नहीं सीआर बनने वाला है, सीआर हाँ, क्योंकि तेरा मेरा इसका बिगड़ जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, ये भेद ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानता है, अविवेक है। माँ पिता कहते क्या विवेकी हो गया है,
पहले तो कुछ समझता ही नहीं था, लेकिन अब बहुत समझदार हो गया है। आचार्य जी कहते हैं ऐसे समझदार ही बीच मझधार में होते हैं। ऐसे समझदार जो थारी मारी करते हैं, ये तेरी वस्तु है मेरी वस्तु है, ये तेरा धन है मेरा धन है, ये तेरा घर है मेरा घर है, इस तरह की जिसकी खोटी मान्यता है, मिथ्या मान्यता है, वह विवेकी नहीं अविवेकी है। जिसे ये ज्ञात हो जाए मैं ये निज आत्म तत्व हूँ और कोई भी अणु मात्र भी मेरा पदार्थ नहीं है, ये जिसके ज्ञान में आ गया, आचार्य उसको ज्ञानी का टाइटल दे देते हैं। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी, परमाणु मित्यम्प्यो रागादीनं तु विच्छते जस नवि सो जान दी अपानयम तु सवागम धरोवी। ऐसी ऐसी गाथाएं लिख गए कुंद कुंद स्वामी आज से 2000 वर्ष पूर्व हम लोगों को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी समझ में आता ही नहीं है। क्या कहते हैं परमाणु मित्यम पियो, परमाणु मात्र भी रागादीनं तु विच्छते जस, जिसके चेतना में रागादिक का परमाणु मात्र भी विकार है, परमाणु मात्र भी राग है। नविसो जान दे अपाणयम, वो अपनी आत्मा को जानता ही नहीं। सर्वागम धरोवी, सर्व आगम का जानकार होकर भी, कई ग्रंथों का पाठी है इसके बावजूद भी वह आत्मा को नहीं जानता, तो क्या कहें महाराज ने, इनको अज्ञानी का ही टाइटल दिया जाएगा। सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना। क्या है, कैसा ज्ञानी है। अब देखो आचार्य इसकी महिमा और बताते हैं और कहते हैं कि जो ज्ञान है वह पर पदार्थों को तो जानता ही है, उसकी क्षमता है इतनी स्व पर को जानने की, वो पर को पर ज्ञेयों को तो जानता है लेकिन स्व को भी जानता है, ज्ञान ज्ञान को भी जानता है। ज्ञान इस पर ज्ञेय को भी, ज्ञेय यानी जानने योग्य पदार्थ, जो जानने योग्य पदार्थ है उनको ज्ञेय कहते हैं। तो ज्ञान जो मुझे आत्मा में ज्ञान है, आप सबके भीतर में आप सब ज्ञानी हैं, आपके भीतर ज्ञान है ऐसा नहीं, आप सब ज्ञानी हैं, क्योंकि जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। तो अगर मैं कहूंगी कि आपके भीतर ज्ञान है तो आप ऐसा समझेंगे जैसे कि थैली के भीतर सब्जी है, बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है। हाँ, थैली के अंदर सब्जी है, हाँ ऐसे थैली अलग है सब्जी अलग है, ऐसे तुम्हारे भीतर ज्ञान है तो तुम अलग हो और ज्ञान अलग हो, ऐसा नहीं है। ये अभिन्न अधिकरण है, भिन्न अधिकरण नहीं है, अभिन्न है, अभेद अधिकरण है। आत्मा में ही ज्ञान है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। इस ज्ञान ने ये भी जाना कि यह पेंसिल है, लेकिन ज्ञान ज्ञान को भी जानता है। जब तक ये पर पदार्थों को जानेगा तब तक विषय और विषयी संबंध माना जाएगा, लेकिन जब ज्ञान ज्ञान को जानेगा, जब ज्ञान आत्म स्वरूप को जानेगा, आत्मिक गुणों को जानेगा, अपने घर में ही रहेगा, अपनी दृष्टि स्वसन्मुख करेगा, तो वह ज्ञान ज्ञे संबंध माना जाएगा। जब ज्ञान पर पदार्थों को जानता है, स्व को छोड़ करके पर पदार्थों को जानता है, तो विषय विषयी संबंध माना जाता है, वो भी कब, जब मोह दशा होती है तब। पूरा क्लियर हो गया, ज्ञान जब मोह से युक्त होकर के पर पदार्थों को जानता है तो विषय विषयी संबंध माना जाता है, और ज्ञान जब निर्मोह दशा में स्वभाव में लीन होकर के अपने ही ज्ञान स्वरूप आत्मा को निहारता है, संवेदन करता है, उसी को जानता है, उसी में लीन हो जाता है, आहा, निश्चय रत्नत्रय की वह दशा, उस वक्त ज्ञान और ज्ञेय संबंध होता है। अब बताइए आपके अपने पूरे जीवन काल में
कभी ऐसा समय आया कि ज्ञान के संबंध बना हो? बोलो, नहीं। विषय विषय संबंध कितनी बार बनता है? 24 घंटा, दिन में खुले आंखों में और रात में बंद आंखों में, सपनों में। क्या सपने में कभी आपने देखा कि आप अपने निज स्वरूप में लीन हो गए हैं, शुद्ध उपयुक्त दशा में है, त्रिगुप्ति गुप्त दशा में है, ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है? आहा, ऐसा कोई किसी को सपना आया? बोलो ना, नहीं आया। क्यों? क्योंकि दिन में जो देखते हैं, जो सोचते हैं, ऐसे ही सपने आते हैं। कभी कभी तो ऐसे आते हैं कि जिसको हमने सोचा नहीं था, अभी नहीं सोचा, एक पॉइंट अभी सोचा, एक पॉइंट 10 दिन पहले, एक को 10 साल पहले, वो सब मिला जुला करके एक सपना बन करके आ जाता है। होता है ना? हाँ, कहाँ की हीट, कहाँ का और भानुमती का कुनबा जोड़ा, बस ऐसी दशा हो जाती है और वो सपना आ जाता है। जो हमारे पूर्व की दशाएं, वर्तमान की दशाएं, इन सब का, क्योंकि ज्ञान स्वरूपी आत्मा तो है ही, वो सब मिला जुला करके सपने आ जाते हैं। फिर कहते हैं पता नहीं कहाँ से आज आ गया ऐसा सपना, कभी सोचा ही नहीं। 24 घंटे में 24 सेकंड भी नहीं दिए कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ और कहीं पर भी मेरी दृष्टि नहीं है, बस ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, शांत भाव से जान रहा है, एकाग्रता से जान रहा है, कुछ नहीं। मेरे उपयोग में सारे पदार्थ दूर हैं, सिर्फ मेरे उपयोग में एक आत्म तत्व ही झलक रहा है। ये देह से भी रहित सिर्फ एक विदेही आत्मा, उसी को मैं जान रहा हूं। आह, क्या दशा, ऐसी दशा हो प्रभु। अभी तो मैं श्रद्धा से जान रहा हूँ, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा सहित जान रहा हूँ, आचरण पूर्वक, ऐसी चारित्र की अनुभूति पूर्वक नहीं जान पा रहा हूँ। श्रद्धा रूप अनुभूति हो रही है, श्रद्धा जानती नहीं। श्रद्धा के माध्यम से, हमें एक विश्वास के माध्यम से ज्ञान जो काम कर रहा है, बस श्रद्धा रूप अनुभूतियां हो रही है। फिर भी इतना आनंद है, तो जिनके जीवन में कोई कर्म ही नहीं बचे, निष्कर्मा हो गए, ऐसे सिद्ध भगवान प्रत्येक समय क्या अव्यावाद सुख की अनुभूति करते हैं, परमानंद की अनुभूति करते हैं। जो कभी भी अब पुनः अवतार लेने वाले नहीं है, एक बार दूध का घी बन गया, अब पुनः दूध बनने वाला नहीं है। हमारे जीवन के सुख का तो कोई ठिकाना नहीं है, अभी इतने सुख में नाच रहे हैं, अभी लोग माला पहना रहे हैं, पता नहीं कब जूते फेंकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अभी सुख में फूल रहे हैं, पता नहीं फिर कब दुख का ऐसा उदय आ जाए, ऐसा असाता का उदय आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बोलो, सच्ची बात है कि नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, कोई यहाँ साथ देने वाला तुझे नहीं है, आचार्य भगवान कहते हैं। इसीलिए ज्ञानी जीव हमेशा ये विचार करते, जो हो रहा है अच्छा ही है, मेरे अपने भावों के अनुसार ही सर्व कार्य हो रहा है। आप कहोगे कैसे? एक पुरानी कहानी मुझे याद आ रही है, ग्रंथों में पढ़ी थी, जो होता है अच्छा ही होता है। ज्ञानी हमेशा ये विचार करके, सकारात्मक सोच करके अपने आनंद में मग्न रहता है। राजा वन विहार कर रहा था और वन विहार करते 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 क्या हुआ, एक गांव आया और गांव के नज़दीक में ही बच्चे लोग वहां पर गिल्ली डंडा खेल रहे थे। उनको पता नहीं कि अचानक कौन आया और गिल्ली फेंकी, तो ऐसी फेंकी कि सीधी वहां पर राजा को लग जाती है। अब जब राजा को गिल्ली लगी, क्या हो गया? राजा तो बहुत आग बबूला हो गया, बहुत आग बबूला हो गया, और कहा ऐसी तेजी से लगी कि अंगुली टूट गई, अंगुली ही टूट गई राजा की। जब अंगुली टूट गई तो बहुत गुस्सा आया। राजा की बात है, सामान्य बात नहीं है। राजा ने कहा, सिपाहियों जाओ, इन सबको बंदी बना लो। लेकिन मंत्री क्या कहता है? जो होता है बहुत अच्छा होता है राजन, जो होता है अच्छा होता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया,
ये क्या बात है, एक तो मेरी उंगली टूट गई और तुम मंत्री होकर के, मेरी मंत्री होकर के ये कह रहे हो कि जो होता अच्छा होता। मेरी उंगली टूट गई है और क्या अच्छा हुआ ये? बच्चों को नहीं, पहले मंत्री को बंदी बनाओ, जाओ उनको बंदी खाने में डाल दो, जाओ सिपाहियों। जाते जाते वे मंत्री मुस्कुरा रहा है, स्वाध्यायशील है मंत्री। हाँ, ऐसा वैसा नहीं है, राजा को मंत्रणा देने वाला है। मंत्रणा वही दे सकता है जिसका मन स्वच्छ हो, साफ हो, और वह स्वाध्यायशील था, बड़ा विवेकी था। जाते जाते वक्त भी चेहरे पर मुस्कान दीपी थी और वह कहता है जो होता है अच्छा ही होता है। राजा को कुछ बात समझ में नहीं आई कि ये क्या बात है, जो होता है वो अच्छा होता बंदी बना रहे और कह रहे हैं कि जो होता अच्छा होता, ये क्या है, पागल तो नहीं हो गया मंत्री? मुझे गिल्ली लग गई, मेरी उंगली टूट गई, पूरी टूट गई उंगली, और फिर भी कह रहा जो होता अच्छा होता, उसको बंदी बना लिया, जेल में डाल रहे और कह रहा जो होता है सो अच्छा होता। सठिया तो नहीं गया? हो सकता है 60 साल का तो हो भी रहा है, दिमाग उसका सठिया ही गया है। बात आई गई चली गई। कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, राजा फिर शिकार के लिए आया और बड़ी दूर निकल गया शिकार के लिए। अब उस रास्ते पे नहीं गया, दूसरे रास्ते पे निकला, और जब दूसरे रास्ते पर गया तो वहां पर बिल्कुल अनजान एकदम साए साए की आवाजें, राजा अकेला पड़ गया। सिपाही दूर हो गए, देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और इधर से कुछ लोग बलि देने का काम कर रहे थे। जब बलि देने का काम कर रहे थे तो वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको हम बलि दे सकें और हमारी मनोकामना को पूर्ण कर सके। अब अज्ञानी तो यही सोचता है, उसके पास में इतनी बुद्धि नहीं, और जो हिंसा में ही सब कुछ अपना धर्म मान रहे, अहिंसा से कोसों दूर है, दया प्रेम करुणा की भावना है नहीं, वो ढूंढ रहे थे और इतना हष्ट पुष्ट राजा मिल गया, उसको पकड़ करके ले गए, नहलाया धुलाया, अच्छे से आभूषण पहनाए और बलि वेदी पर, बलि पीठ पर लेकर के गए। जैसे ही उनकी बलि देने का समय आया, जल्लाद से कहा देख लो एक बार, और भी वहां के सिपाहियों ने देखा, इनके सारे अंग सही तो हैं, अंग भंग तो नहीं है, अंग भंग तो नहीं है, देख लो। और जैसे ही देखा तो राजा की उंगली कटी हुई थी, उंगली कटी हुई थी, अंग भंग है तो ये बलि के योग्य नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। राजा को छोड़ दिया। राजा समझ गया कि मेरी उंगली टूटी हुई थी इसलिए अंग भंग होने से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब राजा वहां सिपाही उनको ढूंढ रहे थे, राजा इधर ढूंढ रहा था, दोनों मिले, बीती हुई बात बताई और सीधे राज दरबार में पहुंचे। राजा तो आखिर राजा तो था ही, उसने दिमाग लगाया रास्ते में कि मंत्री ने उस दिन क्यों कहा था कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छा होता है, जो होता है अच्छा होता है, क्यों कहा था? अब बुलाया उनको, मंत्री को बोला राजा ने कि नहीं उनको बंदी खाने से मुक्त करो और मेरे सामने लेकर के आओ। लेकर के आए, राजा ने पूछा मंत्रीवर एक बात बताओ कि मेरी उंगली टूटी उस वक्त तो आपने कह दिया जो होना होता है अच्छे के लिए होता है, तो आज ये बात तुम्हारी सच्ची साबित हो गई, लेकिन दूसरी बात ये कि जब आपको बंदी खाने में बंदी बनाया जा रहा था उस वक्त तुमने ऐसा क्यों कहा कि जो होता है अच्छा होता, तुम्हारा क्या अच्छा हुआ ये तो बताओ। मंत्री कहता है राजन अगर मुझे बंदी खाने में न डाला होता तो मैं आपके साथ में होता, और मैं आपके साथ में होता, आपका तो अंग भंग था इसीलिए आप तो बच गए, लेकिन मैं कैसे बचता, मेरी तो बलि चढ़ जाती, इसीलिए जो होता है अच्छा होता है। बात समझने की है, ये ज्ञानी की बातें होती है। ज्ञानी हमेशा यही विचार करता है कि मुझे बस सामान्य बन करके रहना है, सहज बन करके रहना है, और जो कर्म का उदय आया है उसे मुझे स्वीकार करना है और अपने स्वभाव में रमना है। जब ये करता है तो कर्म भी आते हैं दुख देने के लिए, लेकिन ज्ञानी तैयार होता है तो उसका असाता भी साता में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए सहज बनना यही धर्म का पहला लक्षण है। सामान्य बने रहो, कुछ विशेष बनने की भी कोशिश मत करो, विशेषण मत लगाओ, सामान्य बनो। आचार्य जी ने एक बार प्रवचन में कहा था कि सामान्य बनो
अपने आप विशेष हो जाओगे। जो सामान्य रहते हैं वो विशेष बन जाते हैं, और जो विशेष बनने की कोशिश में रहते हैं, दिखाते हैं अपना बड़प्पन, दिखाते हैं अहंकार में ऐंठ रहती है जिनकी, वो व्यक्ति कभी भी उन्नति के सोपान तक नहीं पहुंच पाता। ध्यान रखिएगा, कहा है विशेष बनने की आशा में नहीं रहा सामान्य प्रभु। क्या कहा है? आत्मबोध शतक में कहा है विशेष बनने की आशा में नहीं रहा सामान्य प्रभु, साधारण में केंद्रीय बन काल बिताया अनंत प्रभु, भाव यही सामान्य रहो नित विशेष शिव पद पाना है, सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध में समान होकर रहना है। प्रभु बस एक ही भावना है, विशेष बनने की आशा में मैं कभी सामान्य भी नहीं रह पाया, साधारण बन गया साधारण, एक जीव में अनंत जीव, एक शरीर में अनंत शरीर। शरीर कैसे? एक शरीर में अनंत जीव, वो ही शरीर उनका, अनंत जीवों का एक ही शरीर मिला। ओ हो हो हो, क्या बात है, एक शरीर में अनंत जीव, वही अनंतों का शरीर, एक ही शरीर। संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते हो ना? अच्छा नहीं लगता संयुक्त परिवार में? प्राइवेसी तो कुछ रहती नहीं है, मन चाहे खा नहीं सकते, मन चाहे कपड़े पहन नहीं सकते, मन चाहे मौज मस्ती तो उड़ा ही नहीं पाते, इसलिए संयुक्त परिवार में रहना अच्छा नहीं लगता। पहले ही पूछ लिया, माता पिता के साथ में रहोगे? शादी नहीं कर सकते। अलग रहोगे? ठीक है, यस है। ऐसे लोगों के, ऐसे लड़कियों को तो पहले से ही अलग कर देना चाहिए। अकेले रहना ज्यादा अच्छा, ऐसी तबाही में जीवन व्यतीत मत करना। जो माता पिता को आने के पहले ही जुदा कर दे वो तुम्हारे साथ में क्या रह पाएगी चैन से? ध्यान रखना, जो संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते हैं ऐसे जीवों को मर करके साधारण में जन्म लेना पड़ता है, कि वहां तो जनक जननी परम उपकार करने वालों के साथ में नहीं रह पाते थे, अब लो एक शरीर के अंदर अनंत जीव इकट्ठे रहो, इकट्ठे रहो। कितने अनंत, अलग अलग घर चाहिए थे ना, फ्लैट अलग अलग चाहिए थे, ठीक है अलग अलग, तुम्हारा अब कुछ भी नहीं मिलेगा, शरीर भी एक ही मिलेगा, भोगो अब तो। बहुत सताया तुमने, खून के आंसू रुलाया माँ बाप को, तड़पते रहे, जब बच्चा हुआ था कितने सुखी थे, कितने आनंदित थे कि मेरा बेटा हुआ है, और बेटा बस विवाह हुआ और लेकर के चली गई उसे, तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं, उनको जितने आंसू तुमने रुलाया है ना, कई भव तक तुझे ऐसे ही भटकना पड़ेगा। इसीलिए उपकारी का उपकार समझो और एक अच्छी सी इंसान की जिंदगी जियो, नहीं तो संयुक्त परिवार में नहीं रह पाओगे तो साधारण में जन्म ले लोगे। विशेष बनना था ना तुम्हें, हाँ हाँ हाँ, अपनो विशेष, साधारण बन करके रह जाओगे। विशेष बनने की आशा में नहीं रहा सामान्य प्रभु, साधारण में एक इंद्री बन काल बिताया अनंत प्रभु, भाव यही बस सामान्य रहूं बस विशेष, अब श्रीपद को पाना है और सिद्ध शिला में जो अनंत सिद्ध भगवान है उनमें समान होकर के रहना है, बस मात्र यही मेरा एक भाव है प्रभु और कोई भाव नहीं। जितना संयुक्त परिवार में रह करके कर्मों के निर्जरा हो सकती है उतना आप अकेले रह करके नहीं कर सकते, वो धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा आपका, अहंकार बढ़ता चला जाएगा। उसमें विनम्रता आती है, संयुक्त परिवार में विनम्रता आती है, कुछ बात हो भी गई तो सहनशीलता आती है, सहने की क्षमता आती है। कब अपनी शक्तियों को प्रकट करोगे? कब करोगे अंतर का पुरुषार्थ? साधु तो बन नहीं पा रहे, नहीं बन पा रहे हो मुनि आरी का, तो कम से कम एक अच्छे सदगृहस्थ बन करके अपने उपकारियों का उपकार मानो, इतना तो करो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा जीवन यूं ही निकल जाएगा। समय आपका हो गया है, बहुत सुंदर गाथा, एकदम डीप में ले जाने वाली गाथा है, और आगे की श्रृंखला में हम चलेंगे। ओम चैतन्य चिदानंद धाम जानन देखन मेरा गाँव, निज से निज की
शाश्वत सी हूँ। चैतन्य चिदानंद धाम विषयक शायद दुख की खाम।